जिस तरह से माननीय एक्स लफेस मिनिस्टर ने आज ब्रीफ किया दोनों हाउसेस को, ऑल पार्टी मीटिंग भी रहा, मैं ऑल पार्टी मीटिंग में भी था सवेरे, और विस्तृत जानकारी उन्होंने दी किस तरह से बांग्लादेश में जो हुई समस्या है उस पर केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है। सारी विपक्षी पार्टियों का ये मत है कि केंद्र सरकार के साथ हैं, वी आर कोऑपरेटिंग एंड सपोर्टिंग द ऑनरेबल यूनियन गवर्नमेंट, वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, और जो भी निष्कर्ष बनता है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, और जिस तरह से वायलेंस और आर्सनी की घटनाएं घट रही हैं वहाँ पे, ये दुखद है, और स्पेशली वहाँ के माइनॉरिटीज़ के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो टच में है, सरकार टच में है, वहाँ पे बांग्लादेशी आर्मी जो बताया गया इट इज़ इन चार्ज प्रेजेंटली इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो जो भी काम किए जाएँ जिससे कि जान माल का जो खतरा है वो ना रहे, और जिस तरह से केंद्र सरकार अभी इंडियन नेशनल्स के लिए और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, और विपक्ष और सत्ता पक्ष सब मिलके इसको आगे लेके जाएंगे, किस तरह से हम इस परेशानी से उभर सकते हैं साथ में, एंड आई एम श्योर द यूनियन गवर्नमेंट वो अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और आगे भी एक उचित सोल्यूशन की तरफ हम सब जाएंगे।